राग वृंदावनी सारंग। राग वृंदावनी सारंग की उत्पत्ति काफी थाट से हुई है। इस राग के आरोह में शुद्ध नी और अवरोह में कोमल नी प्रयोग किए जाते हैं। इस राग में गंधार और धैवत यानी ग और ध ये दोनों स्वर वर्जित हैं, अर्थात ये दोनों स्वर इस राग में प्रयोग नहीं किए जाते हैं। इस प्रकार इसकी आरोह और अवरोह में पांच पांच स्वरों के प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति औड़व औड़व है। इसका वादी स्वर ऋषभ यानी रे है और संवादी स्वर पंचम यानी प है। इस राग का गायन समय दिन का दूसरा प्रहर है। राग वृंदावनी सारंग के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार है। सबसे पहले सुनिए आरोह। नी सा रे और अब सुनिए अवरोह। इस राग की पकड़ इस प्रकार है। नी सा रे अब सुनिए राग वृंदावनी सारंग की स्वर मालिका जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है इस राग की स्वर मालिका की स्थाई। अब प्रस्तुत है इस स्वर मालिका का अंतरा। म पानी पानी सा 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 नी सा म पानी पानी सा 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 नी सा रे मारे सा नी सा रे सा नी सा नी पा नी सा रे अभी आपने सुनी राग वृंदावनी सारंग की स्वर मालिका।
अब सुनिए इसी स्वर मालिका पर आधारित एक रचना, बोल हैं तपती धूप जेठ की आई। पहले प्रस्तुत है इसकी स्थाई। अब प्रस्तुत है इस रचना का अंतरा। सूखे सारे ताल तलैया, सूखे सारे ताल तलैया, सबसे पूछे धरती मैया, सबसे Yeah.